डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन टीचिंग। नाउ स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 8 में ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स थे सब हमने फिनिश कर दिए हैं। नाउ जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट द टेबल। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल, जैसे आप यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे जो आंसर से वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं ए बी सी डी एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट। क्लियर, स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि स्मॉलर यूनिट मीन्स वॉट, सेंटीमीटर, एंड बिगर यूनिट दैट इज कॉल्ड मीटर। पर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, ओके, कि हमें कुछ यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो 58.17 मीटर एंड हियर 275 mm, तो जो आंसर्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। वो हमें सिर्फ एक हिंट प्रोवाइड, ओके, हिंट प्रोवाइड किया गया है कि हाउ वी कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो नाउ वी विल डिस्कस दिस कि ये जो आंसर है ये कैसे यहाँ पे आया। क्लियर, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स दिस इज अ क्वेश्चन, क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द स्मॉलर यूनिट। क्लियर, स्मॉलर यूनिट। तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉलर यूनिट होता क्या है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट किसको करना है सेंटीमीटर में, इसको। अभी कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, मीटर में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो व्हाट अबाउट 58 मीटर। तो 58 मीटर इक्वल टू, वी कैन जस्ट प्लेस क्वेश्चन मार्क और ओके x वी कैन टेक ना क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 58। सो ही द आंसर विल बी, हम इसको हमें करना क्या, मल्टीप्लाई करना, तो 5, ओके, हम क्या करेंगे 58 00। तो स्टूडेंट्स ओके, आई होप कि मल्टीप्लाई तो आपको आता है। अभी किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में, जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारा आंसर आ गया 5800 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कितना, 17 सेंटीमीटर। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल ऐड दिस नंबर। क्लियर, नाउ ऐड दिस 0 + 7 = 7, 0 + 1 = 1, 8 = 5। सो हियर द आंसर शुड बी 5817 एंड सेंटीमीटर वी विल राइट। क्लियर, चलो समझ में आ गया। नाउ द सेम क्वेश्चन वी विल सॉल्व, ओके, वी विल जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, सो स्मॉलर यूनिट डन। नाउ वी विल गो बैक टू द बिगर यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये जो सेम क्वेश्चन है हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, मीटर में। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओके, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 58 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर, बिगर यूनिट दैट इज कॉल्ड मीटर, सो वी विल कन्वर्ट दिस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नोबडी इज गोइंग टू राइट द आंसर डायरेक्टली। नाउ हियर दे हैव गिवन 70 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट 70 सेंटीमीटर एंड हियर क्वेश्चन मार्क, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो एक्स विल बी मल्टीप्लाई विथ 100, सो एक्स विल बी मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल टू 70 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1, 70 will be multiplied with 1. So now the answer should be x equal to 70 = 70.
एंड हियर 100 नाजिस्ट। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट प्लेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ वी कैन जस्ट प्लेस द पॉइंट, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे ऊपर 2 डिजिट स्किप करने के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो हियर वी कैन प्लेस पॉइंट, तो व्हाट विल राइट 0.17, और उसके पहले हम क्या लिख सकते हैं, 0। चलो क्लियर है, ओके। नाउ अब ऑलरेडी स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में हो गया। तो स्टूडेंट्स एक चीज और, जैसे आपको पता है कि जो 17 है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ 58 मीटर, सो 58 मीटर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0.0 मीटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। एंड ये 0.17, तो ओके पॉइंट के नीचे मतलब पॉइंट प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, 0.17, सो व्हाट वी कैन डू, ओके 7.585, तो क्या आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 58.17। सो समझ में आ गया ना, तो द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर यूनिट, ओके। सो स्टूडेंट्स बिगर यूनिट का आंसर क्या आएगा, तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ना यहाँ पे, क्या था आंसर 58.17, सो द आंसर शुड बी 58.17, ओके बिगर यूनिट दैट इज इन मीटर, एंड वी विल राइट स्मॉलर यूनिट इक्वल टू 5817 सेंटीमीटर, 5817 सेंटीमीटर। चलो क्लियर, सो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है 5817 सेंटीमीटर और 58.17 मीटर। चलो सो क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वी विल गो बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, सी अब यहां पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बिगर यूनिट कौन है और स्मॉलर कौन है। दिस इज द स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज द बिगर यूनिट, ओके। चल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द स्मॉलर यूनिट, पहले मैंने आपको बता दिया स्मॉलर यूनिट कौन सा है, एमएम। क्लियर, स्मॉलर यूनिट कौन सा, एमएम। तो एमएम तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू, वी विल कन्वर्ट दिस, ओके। सो नाउ अब आपको यहां पे एमएम और सीएम का रिलेशन पता होना चाहिए, क्या था रिलेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम, ओके। नाउ सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम एंड हियर दे हैव गिवन 27 सेंटीमीटर, सो वी विल राइट 27 सेंटीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स विल बी हियर, 27 विल बी मल्टीप्लाई विथ 10, सो द आंसर विल बी 270, ओके। अब ये किस में आएगा, ये एमएम में आएगा, अब इसको हमने एमएम में कन्वर्ट कर लिया, बट ऑलरेडी हमें किस में दिया था, 5 एमएम हमें दिया हुआ है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ओके ऐड दिस इन द फर्स्ट आंसर, सो 0 प्लस 5 5 7 प्लस 0, हियर नो नंबर इज देयर, सो 0, सो 7 2, सो दिस इज द आंसर, क्या है स्टूडेंट्स 275 एमएम। क्लियर, सो नाउ द सेम थिंग वी विल कन्वर्ट इन टू द सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इन टू द बिगर यूनिट, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ऑलरेडी बिगर यूनिट भी दिया हुआ है, क्लियर। नाउ तो वी विल कन्वर्ट दिस ओनली, ओके। सो हमें पता है अगेन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एमएम एंड हियर दे हैव गिवन 5 एमएम, सो 5 एमएम इक्वल टू
question mark. So cross multiply. So x will be multiplied with 10 equal to 1 will be multiplied with 5. So the answer will be 5, 10. So students, आपको ये समझ में आ गया है, क्लियर? सो नाउ हियर द आंसर विल बी 0.5. अब आंसर किस में है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर आ गया किसमें? सेंटीमीटर में. ओके, नाउ सी, सो कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स 0.5. नाउ और जो बिगर यूनिट था ऑलरेडी 27 हमें क्वेश्चन में दिया था ना. ओके, मैंने आपको पहले बता दी ना कि 27 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. तो हम क्या करेंगे, 0.5 को 27 में ऐड कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 27.0 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर. जस्ट ऐड दिस 0 प्लस 5, 5.72. सो आंसर विल बी 27.5 सेंटीमीटर. क्लियर? ओके, सो द बिगर यूनिट विल बी 27.5 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आ गया आपको? चलो स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, कि इसमें तो कौन सा बिगर यूनिट है, कौन सा स्मॉलर है. सो दिस इज द स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज द bigger unit. So first of all we can convert this into the smaller unit. सबसे पहले smaller में convert करते हैं. Students, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए smaller में convert करना है तो हम okay इसको convert करेंगे. Clear? क्यों? ये तो already smaller unit में convert किया हुआ है. So हम इसको convert करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या दिया, सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या दिया, mm. तो हमें इसको सेंटीमीटर को convert करना है. किसमें? एमएम में. अब आपको ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए. ओके, सो क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. आई मीन हियर दे हैव गिवन 7 सेंटीमीटर. सो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो द आंसर विल बी 70. स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपको डायरेक्ट भी आ गया होगा बट हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया, 70 mm. नाउ अब यहां पे जो सेकंड स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, 8. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल जस्ट ऐड. हम क्या करेंगे इसमें, ओके, हम ऐड कर देंगे कितना, 8. सो व्हाट वी कैन डू, ओके, सो 0 एंड 8. सो आंसर विल बी 8 एंड हियर वी कैन राइट 7. ओके, सो द आंसर विल बी 78 mm. चलो क्लियर है? Now we can convert the same question in a bigger unit. Clear? Now, so students, bigger unit means ये हमें already bigger unit में convert किया हुआ है, हम इसको convert करेंगे. Okay, तो mm को convert करें किसमें, सेंटीमीटर. So again with the same, what we can write, 1 centimeter equal to, and here they have given students 8 mm. So here we can write 8 mm and here we can write question mark. Again cross multiply. So x equal to 8 divided by 10. So here the answer will be 0.8, okay, centimeter. समझ में आ गया आपको? तो यहां क्या मिल गया, 0.8 centimeter. और ऑलरेडी हमें कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है? ओके, सी हियर दे हैव गिवन 7 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे. क्लियर? सो 7.0 सेंटीमीटर. नाउ ऐड दिस 8 एंड हियर वी कैन राइट 7. ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 7.8 सेंटीमीटर. चलो, ओके, समझ में आ गया ना आपको? सो स्टूडेंट्स, ओके, हियर द थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन.
एंड स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखना कि जब हम किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करेंगे, क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ हियर द थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड एंड स्टूडेंट वन मोर क्वेश्चन इज रिमेनिंग. ओके, दैट क्वेश्चन यू कैन ट्राई इन होमवर्क. ओके, वो क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में ट्राई कर सकते हो. क्लियर देन स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट सिंपल कैलकुलेशन वी हैव डन. ओके, सिंपल कैलकुलेशन वी हैव डन. ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स.